बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईद की खुशियाँ हैं तो ईद की खुशी और मेहंदी के रंग ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगढ़ का वो हनीफ कौन मेहंदी जो 37 साल से यहाँ पर मेहंदी का काम कर रहा है और आपको दिखा सकता हूँ कि ये खुद मेहंदी भी अपने हाथों से घर में बनाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अपना नाम बताइएगा। सर शहरयार कुरैशी। शहरयार भाई, कब से ये काम कर रहे हैं और क्या कहेंगे? सर ये हमारे वालिद साहब का पुराना कारोबार है, 37 साल गुजर चुके हैं। इसमें हमारा अपना एक ब्रांड है, न्यू जमजम मेहंदी, प्रिंस मेहंदी, होली मेहंदी वगैरह अर्क होता है हमारे पास अपना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को लोगों का बहुत ताउन है सांगढ़ के आवाम का, जिन्होंने हमारे मेहंदी से हमारे को बहुत कुछ नवाजा हमारे को। अच्छा, वैसे यहाँ पे आप जो अब तो जाहिर है पैकिंग चेंज हो गई है, कितना यहाँ से लोग लेकर जाते हैं और किन किन इलाकों में आपकी मेहंदी जाती है? सर तकरीबन सांगढ़ ज़िले में तकरीबन मेहंदी हमारी चलती है, जिसके अंदर महक मेहंदी भी हमारी अपनी है और न्यू जमजम न्यू ब्रांड की हम लोगों ने स्पेशलिस्ट दवा और एक प्रिंस ब्राइडल बनाई है हम लोगों ने ईद के हिसाब से। अच्छा, वैसे बाहर भी सप्लाई करते हैं? जी जी, बाहर भी आता हमारा। अच्छा, ईद तो जाहिर बात है उस वक्त रश भी देख रहे हैं, कितना है ईद का रुझान लोगों? नहीं, लोगों का तो माशाल्लाह वो अच्छा रुझान चल रहा है। हर जी ये गंदम वगैरह के जो रेट का मामला जो खराब हुआ है दवा हुकूमत की वजह से, इससे बहुत फर्क पड़ा, बाकी तो कारोबार बहुत बेहतर था। बिल्कुल, हमारे साथ शहरयार यहाँ पर मौजूद है। शहरयार की बात करें तो इनका जो हनीफ के हवाले से बात करें तो इनकी मार्केट भी है तो सबसे पुरानी यहाँ पर ये मेहंदी की दुकान है। अगर कहूँ तो सांगढ़ में अगर जितने भी जो मेहंदी का जो कारोबार है तो ये ही करते हैं। तो ईद की खुशियाँ हैं तो हाथ इसके साथ साथ खूबसूरत दिखाई दें, तो यहाँ पर ख़वातीन बड़ी तादाद में मेहंदी भी खरीदती दिखाई दे रही हैं। अब्दुर्रहमान खास के लिए मेरा सांगढ़।